Hey guys, what's happening? Today we're here, लेसे कराने आया हुआ हूँ यार मैं। तो आज मेरे से तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो हम मिस्टर पावल सिंह खानदान को लेके आए हैं यहाँ पे। पावल सिंह सुहाग यार, helping me out with the LASIK today। यार पता है, दो तीन साल हो गए हैं मेरे को, मैं लेसिक का सोच रहा हूँ काफी टाइम से। यू नो, when I was 21, specs तो मेरे को 11th में लगे थे। एंड एनी टाइम यू गाइज हैव सीन मी इन videos, specs तो मैं पहनता नहीं हूँ, तो मैं लेंसेज ही पहनता हूँ। एंड जनरली द वाइब इज कि अगर मैं लेंस पहन ही रहा हूँ तो यार ये लेसिक करा लेते हैं। बट देन फिर देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वाज थिंकिंग कि यार ब्लाइंड तो नहीं हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स टू दिस, ये सब। सो Those are some of the things that we're going to talk about today as well, and my experience, जो आज जाने वाला है, मेरा कैसे जाने वाला, hopefully everything works out, and I'm coming to I7 यहाँ पे, ठीक है? तो I7 is in Lajpat Nagar, they've got 6 hospitals here in Delhi, and Dr. Rahil is the main guy, and he's so much experienced surgeries करने के लिए काफी सारा, so he's the reliable guy. Because of that, पूरी research के बाद, finally मेरे को ये लग रहा है कि यार इधर आके करा ही लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ 2018-19 में आया था कि भाई आओ जाके पता करते हैं, फिर इन्होंने करा वरा, मैंने मेरी तब भी डॉक्टर राहिल से बात हुई, बट देन मेरे questions थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि यार क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ थी कि यार तुम ना स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते 6 महीने के लिए, और उस टाइम 2019 में मेरे को थाईलैंड निकलना था, तो उस टाइम फिर मैंने करा नहीं। एंड देन यू नो जनरली यू हैव दिस इन योर माइंड की कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर मैं आया 2020 में नवंबर में, विपासना के पहले, जो अभी तुमने विपासना देखा था, जनवरी में गया था ना, मैं उसके पहले आया था। दे डिड अ चेकअप एंड एवरीथिंग, उन्होंने बोला 1 महीने बाद आना, देयर इज अ स्मॉल प्रोसीजर दैट दे डिड। तो 30 अप्रैल को मैं चेकअप के लिए आया, उन्होंने बोला सब सही लग रहा है, करते हैं, तो इसलिए अब आज आए हुए हैं। एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू द एक्सपीरियंस, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, जो भी मेन दिक्कतें होती हैं यार, सवाल होते हैं ना कि भाई कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्या क्या है, माई एक्सपीरियंस शोइंग यू। एंड बहुत रिसर्च के बाद दिस इज द बेस्ट हॉस्पिटल आई फाउंड आउट इन दिल्ली, दैट्स व्हाट वी आर गोना बी डूइंग। कानों पे चश्मा रखे हुए, कानों पे तो तू कहाँ रखता है? 2008-2009, तो अभी 2022 चल रहा है, तो 14 साल हो गए मेरे को, 14 साल हो गए मेरे को चश्मा पहने हुए। पूरे टाइम यार क्लास 11 से ही मैं वो लेंसेज लगा के घूम रहा हूँ, तो पूरे टाइम बाहर जाता हूँ। और एक तो क्लार्क केंट वाली वाइब आती है, होली पे गए थे हम चश्मे लगा के, स्पेक्स लगा के गया मैं, और मेरे जो दोस्त है वंश वगैरह ना, जो ड्रंक इंटरव्यू में भी देखा होगा तुम लोगों ने, वंश आईडी वगैरह साथ में खड़े हुए, पहचान नहीं रहे। उस दिन लगा कि भाई ये क्लार्क केंट चश्मे पहन के सुपरमैन से बच सकता है, कोई नहीं पहचानता होगा उसको। लेट्स गो यार, आई गए हम यहाँ पे। चले I7 आ चुके हैं, आजा पावल। नर्वसनेस तो नहीं हो रही है, मैं तो एक्साइटेड ज्यादा हूँ, मेरा तो वही है, अब जो होएगा वो होएगा, ऐसे माइनर सर्जरी, बट लाइक डर तो लगता है थोड़ा सा। बट देन होपफुली लाइक डॉक्टर राहिल ने करा है पहले, पहली बार नहीं है उनका, मेरी पहली सर्जरी है, तो उनके लिए तो बच्चे डर रहे हैं ऐसे बिना बात ना। तो जनरली लाइक व्हाई आई एम गेटिंग दिस लेसिक डन इज बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन स्पेक्स जो मेरे लिए रहती है, चश्मे पहनने हैं, नहीं तो मैं यूजुअली लेंस पहनता हूँ, जैसे वीडियोस में सबने देखा ही है। उसके लिए हमेशा मेरे को घर पे लेंसेज चेंज करने होते हैं अपने, राइट, सुबह सुबह उठ के हाथ साफ करो, हाथ धो, फिर उसको क्लीन करो ताकि कुछ भी गंदा डर्ट वगैरह मेरी आंखों में ना चला जाए, फिर लेंस लगाता हूँ। फिर कंप्यूटर के सामने बैठ के द आईज गेट मोर इरिटेटेड, और कभी रात को बाहर होते हैं, जैसे पार्टी में गए हैं सुबह के 6 बजे हुए, लेंस ही पहने हुए हैं, सो देन देयर इज मोर इरिटेशन इन द आईज, और गलती से सो गए लेंस के साथ, तो वो तो फिर अलग ही परेशानी, सुबह वो लेंस निकालने में इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, अब जब लेंस पहन के जाता हूँ मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स आई नीड टू टेक, मेरे को ये एक स्पेक्स और दो स्पेक्स दोनों पहनने पड़ते हैं। सो आई लुक बेटर व्हेन आई एम आउटसाइड विद दीज, तो मैं आउटडोर्स के लिए जब कभी लेंस नहीं है तो मैं ये पहन के घूमता हूँ, बट दीज आर वेरी हैवी, तो मेरे सर में दर्द कर देते हैं। एंड दीज आई वेयर फॉर वर्किंग घर पे, एंड घर पे ऑफ कोर्स या फिर ऑफिस में आई डोंट वेयर लेंसेज, बट देन जब शूट करना होता है दैट्स अ होल टुगेदर प्रोसेस ऑफ इटसेल्फ, एंड स्पेसिफिकली विद लेंसेज लुकिंग एट द कंप्यूटर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स इची, इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। एंड ट्रैवल टाइम पे मेरे को देखना, मेरा लेंस सॉल्यूशन मेरे पास है, मेरा लेंस केस मेरे पास है, कई बार मैं क्लब गया हूँ ऐसा हुआ है कि धूल चली गई आंखों में, और फिर लेंस उतारने पड़ते हैं, लेंस केस रखना पड़ता है, फिर बाहर गाड़ी ढूंढो, उसके अंदर बैग होगा, बैग में दो स्पेक्स होंगे, एक स्पेक्स टूट जाए तो दूसरा भी होना चाहिए, लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू मेंटेनिंग माय विजन, तो उसके लिए मैं बिल्कुल परेशान रहता हूं। ऑल माय वीडियोस आर विदाउट द लेंसेज, आई डोंट विदाउट स्पेक्स, आई डोंट लाइक हाउ आई लुक इन स्पेक्स, आई डोंट फील कंफर्टेबल, देयर हैवी, तो काफी अनॉयंस रहता है मेरे को जनरली। तो ये आखिरी बार आई एम वेयरिंग माय स्पेक्स, गुड बाय। दो चश्मे और दो स्पेक्स केस और फिर लेंस केस और फिर लेंस सॉल्यूशन, वो घर पे अलग, ट्रैवल बैग में अलग, बस लास्ट टाइम ले भाई पावल, इसको रखो, ठीक है, चला जाए। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? काफी एफर्ट हो गया। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल बनता है। प्लीज
Yeah, 115. Yeah. Perfect. Thank you, doctor. See you tomorrow. Yes, yes, definitely. Thank you. I can feel the change instantly. I wasn't able to read all this, na? It's getting, but I can see clearly everything. There's no pain, nothing. I barely even felt it. Perfectly fine. बढ़िया लग रहे हैं. First time in 14 years without pecs. मतलब अभी थोड़ा वो पानी वानी हो रखा है ना आँखों में. तो थोड़ा सा धुंधला है. But जैसे ये नहीं दिख रहा था ना पहले क्या लिखा है. वो दिख रहा है. चीजों का ध्यान रखना है. अभी ये डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए आई ड्रॉप्स और थोड़ी दवाइयाँ दी हैं. मैं जैसे ही निकला मेरे घड़ी देख के टाइम बता दिया कि 1:15 बज गया है. इन्होंने बताया कि 15 मिनट हुए हैं मुश्किल से. ऑपरेशन सक्सेसफुल. एक आंख बकरी का, एक आंख उल्लू का. दिन में बकरी का आंख से दिखेगा, रात को उल्लू का आंख से दिखेगा. ठीक है गाइस, चलो यार अब चलते हैं. यहाँ पे ये बंदे मजे ले रहे हैं हमसे कि वे खाना वाना खाते चलेंगे. ऑपरेशन हुआ है, भाव ही नहीं दे रहे कोई. तो कल यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे. अभी घर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ. We'll see how that is going. चलो बाय, see you guys. What up boys? पावल फिर से अंधा गैंग इन द हाउस. आज फिर निकल चुके हैं यार. वी आर गोइंग फॉर अ चेकअप. तो अभी मेरे को दिख तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से रहा है. आई जस्ट नीड टू टेक दीज प्रिकॉशंस. यहाँ पे लाइक आंखें भी नॉर्मली लग रही हैं, सो दैट मेरी आंखों में धूल ना जाए, खुद के हाथ ना चले जाए. तो ये चश्मे हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस सारी चीजों से. आई कैन रीड एवरीथिंग. अभी जैसे ये वाले बोर्ड पहले नहीं दिखते थे. उद्योग विहार IGI एयरपोर्ट का बोर्ड दिख रहा है हमें, और आगे वो डायरेक्ट अपोलो से लिखा हुआ है. अभी देखो पहुंचेंगे, पहले ही बता दूंगा मैं. ये वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल भी है ऊपर. दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है. मेरी आंखें क्या गजब हो गई हैं. डायरेक्ट अपोलो से बताया था तुम्हें, और ये वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल ऊपर. सडनली वी विल टॉक टू डॉक्टर राहिल आल्सो टुडे, एंड वी विल आस्क हिम मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन इश्यूज जो लोगों को होते हैं बिफोर गेटिंग द सर्जरी डन. एंड इफ यू गाइस हैव एनी इश्यूज, आई ट्राई एंड गेट दैट कवर्ड इन द नेक्स्ट सेगमेंट विद डॉक्टर राहिल. ऑलराइट गाइस, चलो वेयर यू आर. लेट्स सी. Alright, so we'll be meeting Dr. Rahil here just in a while. I'll go meet the team. Till then, hey there. Hi. Hey, what's happening? Hi, Shatij. Hi, how are you? Let's go for the vision test then. These are some of the tests that we were getting done before my LASIK was done. So everything was checked thoroughly. There's one test here. Then power bhi check hua tha, the vision. And then uske baad finally in the other building we went to check our retina. Yeah. So vision is clear, right? Yeah, clear. So can the last line now? FHZTVPU. This is a 6-6 region. This is 6x6. Last line. ONLFP. Yeah, this is a 6-5. This is 6-5. Second last line is 6, 6 and 6, last 6. Line is 6. Okay. तो ये जो पहले भी नहीं दिखता था बिल्कुल भी. LTPNR. Nice. सही. एक ही दिन में. All right. Right. This is start over ना. Right. Quality और better हो जाएगी. ठीक है. तो what was the difference between 6-6 and 6-5? 6x6 means normal vision. That is normal vision. It's beyond normal. The super vision होता है ना. अच्छा. Beyond normal. The 6x6. So it's become better than normal. Yeah, so even before I had specs, उससे better vision हो गया है अभी. Exactly. Perfect. बहुत ही सही. We'll go meet Dr. Rahil now. Hello doctor. Chalo. Very good. So we are already 6-5 on the first day. We are 6-5 on the first day. That it will further improve. So this is Dr. Rahil that we've been talking about in the video. आज आपका entry हो गया है. ठीक है. So we operated Shitij yesterday and he's already on 6-5 supervision on the first day, and it is just the first day. तो पहले दिन तो थोड़ा बहुत आंखों में swelling वगैरह होता है, and it gradually clears out in about a week's time. So he'll be on super and duper almost 6-4 vision by the end of first week. जैसे आई केम इन 2018 बिफोर कोविड टू यू, एंड इट टुक मी अराउंड 2 years टू डिसाइड कि यार ये कराई लेते हैं. व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? ऐसे लग रहा था कि इफ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं ऐसे जी रहा हूँ 10-12 साल से, 14 साल से, तो क्यों ही कराना है. दैट वाज द मेन थिंग. एंड आई वाज लाइक, सो आई नेवर इवन हैड स्टिचेस इन माय बॉडी, सो एनी सर्जरी ऐसे व्हिच फेल्ट लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो आई वाज थिंकिंग करना है नहीं करना है. पीपल लिटिल स्केप्टिकल कि भाई इट्स एन आई सर्जरी एंड इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी. बिल्कुल बीमारी तो है नहीं कि इसको 100% ट्रीट कराना है. बिल्कुल. एंड द लाइफ इज कंफर्टेबल विद ग्लासेस, तो व्हाई टेक दैट चांस? या बट ठीक है, द सर्जरीज हैव बिकम वेरी वेरी सेफ. तो USFDA अप्रूव हो गया, एंड प्लस सर्जरी एक्चुअली हम उसको कहते हैं सर्जरी, बट नथिंग लाइक अ सर्जरी. यू हैव फेल्ट इट्स जस्ट 10 मिनट्स ऑफ जस्ट लाइंग डाउन एंड वेरी लाइंग डाउन एंड यू हैव टू लुक एट अ लाइट एंड 10 सेकंड्स ऑफ वर्क एंड इट्स फिनिश्ड. डेफिनेटली इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर. वन थिंग व्हिच हेल्प्ड मी मेक द डिसीजन सिंस ऑन दिस टॉपिक वाज यू टोल्ड मी कि नो मैटर व्हाट हैपेंस विद लाइक द सर्जरी, अगर हो रहा है
ठीक है, उसमें इट्स नेवर गोना हैपन दैट यू आर गोना गो ब्लाइंड, सो इट्स कंप्लीटली सेफ. दैट पुट मी वेरी मच एट ईज बिकॉज़ इज द आईज, पता चला चश्मे लगा रहे हैं तो बाद में ब्लाइंड लोग मेरे फियर होता है ना भाई, आंखें हैं कुछ गड़बड़ हो गई भाई, वी हैव द होल लाइफ अहेड. करेक्ट, किड्स यूजुअली 18 20 इयर्स पीपल आर गेटिंग इट डन. डेफिनेटली, डेफिनेटली. सो छोटे छोटे बच्चों का फियर तो होता ही है थोड़ा सा. बिल्कुल, दैट वाज, इट्स अ स्मूथ सर्जरी. या या, ठीक है. सो वी हैव इवॉल्वड फ्रॉम लेट्स से लेसिक होता था पहले, राइट? नाउ वी हैव इवॉल्वड टू कंटूर विजन. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस इन लेसिक दैट हैव बीन बेटर विद contour vision? It's not a zameen aasman ka farak. Theek hai. It's something like iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Achha. Gradually the technology is evolving. Right. Phones are getting better. Yeah. Cars are getting better. Similarly, these technologies are just upgrading. Okay. So, naya upgrade ye aaya contour mein that there are two additional steps that we do. Ek hota hai something called as corneal irregularities removal. Right. Where what happens is that your eye, this surface of the eye, okay, it's not perfectly smooth. They are micro irregularities, like a fingerprint. So you have those ridges and roughness. Got similarly, it. Maybe there is roughness and irregularities. Okay. So with Contura, what we are able to do is we are able to map those irregularities. Okay. And we convert it into an optically perfect structure. Right. So that gives you advantage of that supervision that you got today. Right. 6.5. So you're able to see more than what a normal person can see. Correct, correct. Plus, additionally, what we are doing is that all these previous technology, जो LASIK smile था, ये basically एक eye के center में काम करती थी. But then research has shown us कि actually हम लोग center से देखते नहीं है. There's a small 5 to 6 degree difference. It's called visual axis or एक pupil, technical terms. But एक visual axis treatment से थोड़ा सा it enhances your quality again. Right. So all those new advancements are able to give you better quality. But correct. थोड़े छोटे-छोटे differences which just adding on to better vision. It just makes plus the main इसमें advantage आया that the recovery is one day. आज का है, कल से दिखना शुरू. एंड सेफ्टी इज वेरी हाई, USFDA अप्रूव्ड, तो आंख में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती. ठीक है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट डूइंग इट. तो विद LASIK हाउ मच वाज द रिकवरी टाइम फॉर दैट? जस्ट अबाउट अ वीक. अबाउट अ वीक होता था. और अभी स्माइल के साथ और ज्यादा, स्माइल के साथ और ज्यादा, 15 डेज बिकॉज़ इट्स ब्लरी विजन एंड देन वहां से सो देन यू हैव टू टेक उतना ही छुट्टी लेना पड़ता है. करेक्ट. इसमें द रिकवरी इज इंस्टेंट. द ओनली साइड इफेक्ट ऑफ दिस सर्जरी इज कि थोड़ा ड्राइनेस बनता है. ड्राइनेस हो जाता है, ऑल्दो ड्राइनेस आपको फील नहीं हो रहा होगा. नहीं, अभी तो नहीं हो रहा. पुटिंग दोस ड्रॉप्स. या करेक्ट. दो तीन महीने डालना है, तो तीन महीना वो डालना है. एंड आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द स्विमिंग पूल एंड द वाटर एंड फॉर 2-3 वीक्स. फॉर 2-3 वीक्स. ठीक है, कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए आंख. ठीक है, सो आफ्टर दैट आई कैन स्टार्ट स्विमिंग. एनीथिंग डाइव परफेक्ट. अच्छा, अंडर वाटर डाइव. ठीक है, तो थाईलैंड का ट्रिप जो जून में आ रहा है, मैं जा सकता हूँ. जंप फ्रॉम अ प्लेन, गेट इनटू द वाटर. थैंक यू डॉक्टर, विल सी यू. ओके, यस, परफेक्ट, थैंक यू. भाई पहला दिन है आज, तो आज भी मैं ही ड्राइव करूंगा. थिंग इज फाइन, आई फील एकदम परफेक्ट. और हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है. मतलब एक ही दिन में, ठीक है गाइस, हम गोना हेड होम. बीच में एक दो सामान उठा लेंगे. प्रीटी अमेजिंग. वो कह रहे हैं एक दो दिन में पावल सुपर डुपर विजन हो जाएगा. फिर एक केप बचेगा हमारा, क्लार्क केंट वाला, बस वो लगाना है. चलो सी यू गाइस. हे गाइस, एक हफ्ते के ऊपर हो गया है मुझे मेरे कंटूर विजन LASIK सर्जरी करवाए हुए, और बिना किसी स्पेक्स, बिना किसी लेंसेज, बिना किसी चीज के. एंड मेरे को एकदम ही क्लियर दिख रहा है. आई एम सो हैप्पी टेलिंग यू गाइस दिस. तो अब एक फाइनल रिव्यू देना चाहता हूं मैं तुम्हें कंटूर विजन LASIK सर्जरी का. अगर तुम सोच रहे हो करवाने की, और किस किस को करवानी चाहिए, कौन कौन करवा सकते, क्या क्या फाइनली तुम्हारे क्वेश्चंस है, वो लेते हैं अभी. तो सबसे पहले एक हफ्ते बाद क्षितिज, तुम्हें दिख कैसा रहा है? ब्रो मेरे को एकदम ही क्लियर दिख रहा है. आज भी फिर से हमने विजन चेक किया था, 6x6 नॉर्मल विजन होता है, 6x5 वाला भी मेरे से क्लियरली आज भी पढ़ा जा रहा था. और अभी भी आई एम क्लियरली सिटिंग हियर, देयर आर लॉट ऑफ लाइट्स ऑन माय फेस, यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अमेजिंग है. इसमें एक चीज जो क्वेश्चन मेनली रहता है कि भाई डज LASIK और कंटूर विजन सर्जरी कॉज परमानेंट ड्राइनेस? तो ड्राइनेस का क्या सीन है? आई डोंट फील कि मेरी आंखें अभी ड्राई है, बट जैसे डॉक्टर राहिल बोल रहे थे और जैसे बताया गया था कि 90 डेज तक वो ड्राइनेस हो सकती है, और उसके लिए आई ड्रॉप देते हैं आपको. यहीं पड़ी हुई है मेरे पास आई ड्रॉप, ये वाली आई ड्रॉप है इको मॉइस्ट, ये बस दिन में 3-4 बार डालनी है. ऑल्दो कोई प्रॉब्लम मेरे को हो नहीं रही, कोई दिक्कत हो नहीं रही, आई जस्ट कीप पुटिंग दीज आई ड्रॉप्स फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, दिन में 4 बार. एक और क्वेश्चन जो मेरा भी था कि इज LASIK पेनफुल? पेनफुल होता है, कैसे होता है, एनेस्थीसिया यूज करते हैं नहीं करते हैं, क्या इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं या बेहोश कर देते हैं? सो अबाउट दैट, एज यू गाइस सॉ, I was completely conscious during the surgery. तुमने अभी वीडियो में देखा, I was completely conscious during the surgery. कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था मेरे को लोकल एनेस्थीसिया के लिए, ना मेरे को बेहोश करा गया था. The only thing that was there was eyes को numb कर देते हैं आई ड्रॉप्स डाल के. That is the only thing that happened. And जो रही पेन की बात, is LASIK painful? पेन तो बिल्कुल ही नहीं था, it's a completely painless surgery. Maximum बीच में आई थिंक थोड़ी खुजली सी थोड़ा सा वो लगता है जब the laser hits the eye. That's the only thing. But it's nothing to worry about. कुछ भी नहीं है, बेसिक थोड़ा सा लिटरली खुजली सी होती है. जो टेस्ट होते हैं उसमें बेसिकली एक
थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ ठीक है एक प्रोसीजर हो रहा है दैट इज अबाउट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरी भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि यार क्या कॉन्टूर विजन कराने के बाद क्या मेरा नंबर जीरो हो जाएगा और फिर क्या वो नंबर वापस भी बढ़ सकता है थोड़े टाइम बाद, मेरे को दोबारा से कॉन्टूर रिवीजन कराना पड़ेगा. तो इसको तो यार ये सीन है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम चिल रहते हो, हिलते नहीं हो ज्यादा, सब कुछ ठीक रहता है तो परफेक्ट जाती है सर्जरी, एज वाज इन माय केस, कि मेरे को ज्यादा यार इन चीजों से डर वर नहीं लगता. मैं कब करवा रहे हैं चुपचाप बैठ के करवा लेते हैं बिकॉज इट्स माई डिसीजन, तो मैं बिल्कुल हिलता डुलता नहीं हूं. तो इसलिए मेरा सर्जरी एकदम परफेक्ट था. अभी जब चेकअप करे एक हफ्ते बाद वो भी क्लियर हो गया. अगर लेट से कोई हिलता है या लेट से कभी कभार क्या होता है रेजिड्यूअल नंबर बच जाता है, रेजिड्यूअल नंबर जैसे मे बी 0.25 बच गया, तो उसके लिए एक हफ्ते एक महीने बाद जब भी यू सॉर्ट ऑफ रिकवर्ड तो तब वो सर्जरी दोबारा से करके रेजिड्यूअल नंबर भी हटा देते, एक छोटा सा वही लेजर दोबारा से मार देते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है. क्या दोबारा से मेरे को ये चश्मा चढ़ सकता है? तो अभी जो मैंने लेसिक करवाया था अपना वो था दूर की उसके लिए, ठीक है, सो विच वाज मायोपिया, मेरे को दूर का नहीं दिखता था. अब ये तो ठीक हो गया है. मेन चीज होती है लेसिक में कि क्या तुम्हारा नंबर स्टेबल है या नहीं है. तो अगर तुम्हारा नंबर स्टेबल नहीं है एंड देन यू गो फॉर अ कॉन्टूर रिवीजन और लेसिक सर्जरी तो काफी प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए आई वेटेड थोड़ा बहुत, मतलब 24-25 तक, क्योंकि उसके आसपास तक स्टेबल हो जाता है. कई बार लोगों का 21-22 के आसपास भी स्टेबल हो जाता है. अब द मेन थिंग इज इसका जो वर्कअप होता है कि जो टेस्ट होते हैं जो हमने वीडियो में दिखाए हैं, पहले एक टेस्ट होता है, दो टेस्ट होता है, तीन टेस्ट होता है, फिर रेटिना टेस्ट होता है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए कि आई में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, is it safe for you, is this recommended for you, क्या तुम्हारा number stable है या नहीं है. क्योंकि कई बार क्या होता होगा, like हम सोच रहे होंगे कि यार मेरे को पता नहीं मेरा number stable है या नहीं, मुझे लग रहा है stable है या मुझे लग रहा है stable नहीं है. तो ऐसे करके कोई भी ना doctors को झूठ बोल सकता है. With good hospitals like I7 क्या होता है, वहाँ पे proper testing होती है, पहले जो diagnosis होता है, जो testing होती है, वो अच्छे से होती है कि क्या your eye is ready for the surgery or not. तो बेशक तुम झूठ बोल रहे नहीं बोल रहे, वो लोग पता लगा लेंगे टेस्ट से कि तुम्हारा नंबर स्टेबल है तो तुम्हें करवानी लेनी चाहिए, और नंबर स्टेबल नहीं है भाई तो रुक जाओ अभी मत करवाओ. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वहां पे कि तुम्हारा नंबर स्टेबल हो. तो जैसे मेरे केस में मेरा नंबर स्टेबल था, मेरे को दोबारा से ये चश्मे दूर के नहीं लगने वाले हैं. 40-50 की उम्र में वो जो रीडिंग ग्लासेस वाला सीन होता है राइट, वो 55 के आसपास वो सबको ही होता है, वो हो सकता है. तो उसके लिए मे बी रीडिंग करते हुए रीडिंग ग्लासेस वाला जो इशू होता है जो तुमने देखा होगा पापा दादा वादा के सबके लगे होते हैं, तो वो वाला एक रीड करते हुए वो इशू हो सकता है. बस दैट इज द ओनली थिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज लाइक कि विल लेसिक लीव अ स्कार ऑन माय आई. अब ये प्रॉब्लम लोगों को कई बार ऐसे होती है कि यार अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, क्या कोई देख के बता सकता है कि लेसिक हुआ हुआ है, या फिर अगर मैं कोई एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूँ क्या वो लोग देख के बता सकते हैं कि मैंने कोई सर्जरी करवा रखी है? एंड द आंसर इज नो. अनलेस एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर तुम्हें चेक कर रहा है, ऑप्टोमोलॉजिस्ट चेक कर रहा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कोई भी चेक कर रहा है जिसको आपकी नॉलेज है, वो प्रॉपर मशीन टेस्टिंग के बिना एक नेकेड आई से क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारा लेसिक हुआ है या नहीं हुआ है. तो जैसे इन माय केस कोई भी नॉर्मली देख के नहीं बता पाएगा कि यार मैंने कॉन्टूर विजन करवाया हुआ है यहाँ पे. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डाउट, कैन आई गेट अदर ट्रीटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम लेसिक? लेसिक के बिना अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है आंखों में, और कोई ट्रीटमेंट से सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? जो भी चीज उसके बाद भी सर्जरी होती है आंखों की, यू आर कंप्लीटली सेफ टू गेट एनी अदर सर्जरी. लेसिक और कॉन्टूर विजन डजंट लीव एनी कॉम्प्लिकेशंस देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल आर एलिजिबल फॉर लेसिक. एक तो इसमें सबसे पहला पोर्शन वो होता है कि तुम्हारा पावर का नंबर स्टेबल होना चाहिए. नेक्स्ट पोर्शन इज कि -8 तक का जो नंबर होता है, ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ थोड़ा सिलेंड्रिक भी होता है, वो एलिजिबल रहते हैं इसमें. -8 के ऊपर देयर आर अदर सर्जरीज एंड अदर प्रोसीजर्स जो होते हैं, बट कॉन्टूर विजन एंड लेसिक नहीं होता है. सिलेंड्रिकल वाले लोग इसको करवा सकते हैं. मेरे जैसे दूर का नॉर्मल नंबर था -3 था मेरा, वो लोग इसको करवा सकते हैं. एक और चीज यहां पे ये होती है कि कॉर्नियल थिकनेस इनफ होनी चाहिए, जो टेस्टिंग में पता चल जाता है कि क्या तुम्हारे कॉर्नियल में इनफ थिकनेस है, क्या तुम्हारा रेटिना ठीक है, क्या सब कुछ तुम्हारी आंखों का ठीक है, ओनली देन तुम वो करवा सकते हो. कई लोगों का क्या होता है कॉर्निया की ना थिकनेस उतनी ज्यादा होती नहीं है, सो व्हाट द लेजर डज इज इट वर्क्स ऑन द कॉर्निया, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा दोबारा से रीएडजस्ट करता है. कॉन्टूर विजन में वो जो कॉर्निया पे वर्क हो रहा है सारा, अब उसमें अगर उसका थिकनेस इनफ नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है. इसलिए जब तुम अपना वर्कअप कराते हो एक अच्छे हॉस्पिटल से जिनको पूरी नॉलेज है, जो सब कुछ कर रहे हैं ढंग से, वो वहीं पे मना कर सकते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारे लिए नहीं है. एंड इसलिए आई रेकमेंड गोइंग टू अ रियली नाइस हॉस्पिटल, व्हिच वाज व्हाट my choice was when I wanted to go to one of the best hospitals. During the surgery, I could have gone to a lot of places. मैं government hospital जा सकता था, मैं कहीं और hospital जा सकता था. I did enough research, which I feel everyone should do. Go to Quora, go to Google, YouTube. अगर ये video भी तुम as a research देख रहे हो, तो definitely check out all of the places. And I liked I7 because वो काफी time से पहले से हो रखा था. And I think 2018 से ही, जो मैंने video में भी बताया है, तब से मैं research कर रहा था. So I was like, हाँ, ये ठीक है. Next question आता है recovery का. रिकवरी में कितना टाइम लगता है? यार ये तो तुमने क्लियरली वीडियो में देख ही लिया होगा. एज सून एज द सर्जरी वॉज डन आई वॉज आउट ऑफ इट, मेरे को क्लियरली दिख रहा था. रिकवरी इज इंस्टेंट, ठीक है, क्लियरली विजन एकदम क्लियर हो जाता है जभी के जभी. धीरे धीरे वो क्लियर आउट होता है. जैसे फर्स्ट आवर में थोड़ा सा वो जैसे
आई में ऑइंटमेंट वगैरह लगी हुई थी, थोड़े ड्रॉप्स वगैरह डाले हुए थे, तो मेरे को दिख रहा था बट एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, राइट। एक घंटे बाद और भी क्लियर दिखने लग गया, शाम तक जब मैं गया और ही क्लियर हो गया, और अगले दिन जब मैं उठा देन आई हैड एब्सोल्युटली क्लियर विजन, जैसे हमने अगले दिन जाके 6x5 वाला विजन देखा था तो ऑलरेडी था, एंड देन ओवर द कोर्स ऑफ द वीक जो मेरे को पता भी नहीं चला, इट्स अपेरेंटली बिकम इवन मोर क्लियर, और जैसे मेरे को डॉक्टर ने बताया था, बट मेरे को तो फर्स्ट डे पे ही एक दिन बाद ही अगले दिन सुबह उठ के ही जैसे मैंने देखा पूरा का पूरा क्लियर हो गया था। उसके पहले सॉर्ट ऑफ थोड़ा मतलब ऐसे नहीं था कि धुंधला दिख रहा है कुछ दिख रहा है, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर वहां पे, तो रिकवरी वाज इंस्टेंट। मेन होते हैं प्रिकॉशंस थोड़े लेने होते हैं, थोड़ा सा यू नो प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी लेना होता है। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं, प्री सर्जरी प्रिकॉशंस, तो प्री सर्जरी में एक तो ये होता है अगर तुम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हो, जैसे मैं पहनता था कॉन्टैक्ट लेंसेज, तुम्हें लगभग 3 दिन पहले तक कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने हैं तुम्हें बिल्कुल भी। मेक श्योर योर वर्कअप इज डन प्रॉपरली। अब यहाँ पे एक दिन पहले वर्कअप हुआ था, मेरा डे ऑफ द सर्जरी पे भी वर्कअप हुआ था, देन दे गिव यू एन आई ड्रॉप, ठीक है, विच इज आई थिंक एन एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप होता है वो, एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक समथिंग, इट्स एन आई ड्रॉप जो दिन में हर 2 घंटे में तुम्हें डालना होता है। पोस्ट सर्जरी वाले में तुम 1 हफ्ते तक अपने बाल नहीं धो सकते हो, पानी नहीं मार सकते हो आँख पे, ठीक है, तो मैं 1 हफ्ते से मेरे बाल धुले हुए नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो गर्दन के नीचे तुम्हें नहाना है। घर में जब हो तो 3 दिन तक काला चश्मा पहनना है, जो मैं पहन रहा था, और 3 दिन बाद अगले 4 दिन तक मतलब फॉर अ वीक व्हेन यू गो आउट देन यू नीड टू वेयर दैट। अब इसमें जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, द मेन थिंग इज धूल, धूल नहीं जानी चाहिए, या आंखों पे तुम हाथ ना लगा दो या रब ना कर दो, क्योंकि कॉर्निया पे कुछ हुआ है और हाथ वाथ लगा रहे तो डस्ट वगैरह जा सकता है, इट्स अ सर्जरी डन, सो कॉम्प्लिकेशंस ना हो एंड तुम प्रिकॉशंस लो बिकॉज यू अंडरगॉन अ सर्जरी, यू नीड टू बी चिल। अब जैसे मैं ड्राइव करते हुए हमने वीडियो में दिखाया है, Try not to do that. I was feeling pretty comfortable, जैसे मैंने अभी बताया, so which is I was driving. But maybe ना करो यार, एक हफ्ता थोड़ा chill कर लो, ज़्यादा hero मत बनो तुम यहाँ पे, ठीक है? छोटी बच्ची हो क्या? समझ में नहीं आता। छोटी बच्ची हो क्या? Next thing is कि जो screen time है अपना, वो पहले 3 दिन तो 0 ही रखना है, उसके बाद maybe 2-4 घंटे तुम कर सकते हो। सो आई ट्राई टू मिनिमाइज एज मच टाइम एज आई कुड, बट थोड़ा काम था तो मेरे को करना पड़ रहा था यहाँ पे। देन पोस्ट सर्जरी में दे गिव यू वो जो मिठाई का डब्बा तुमने देखा था, पूरा बॉक्स होता है, उसमें ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो फर्स्ट डे के लिए ड्रॉप्स देते हैं, उसके आगे के लिए ऑइंटमेंट्स होती हैं, तो 3-4 ड्रॉप्स वगैरह तुम्हें लगानी होती है फॉर द फर्स्ट मंथ। उसके बाद बस वो ड्राइनेस वाली एक जो मैंने इको मॉइस्ट तुम्हें दिखाया वो, ताकि आईज ड्राई ना हो जाए, दैट्स द ड्रॉप दैट यू कैन पुट 3-4 टाइम्स अ डे, एंड दैट्स मेनली अबाउट इट। पानी का थोड़ा सीन होता है कि पहले हफ्ते में गर्दन के नीचे ही नहाना है, उसके बाद तुम 1-2 हफ्ते तक यू नो तुम नॉर्मली ना सकते, जस्ट डोंट स्प्लैश वाटर इन योर आईज फर्स्ट मंथ तक, एंड देन स्विमिंग वगैरह यू नो शुरू में तुम्हें नहीं करनी है, इट्स अबाउट कि डस्ट ना जाए, वो चीजें ना जाए, एंड डेफिनेटली पहले 3-6 महीने जितना भी टाइम हो सके डोंट रब योर आईज, बिकॉज कॉर्निया पे काम हो, इफ यू रब इट ऐसे यू नो हाथ हाथ लगा के तो वो सीन थोड़ा गंद हो जाता है। कमिंग नाउ टू द कॉस्ट, द कॉस्ट फॉर कॉन्टूर रिविजन सर्जरी इज 95,000 रुपीज। अब जो लेसिक होता है, जो फेम्टो लेसिक कहते हैं, उसका कॉस्ट है 90,000। कॉन्टूर रिविजन इज द लेटेस्ट वन, सो आई वांटेड टू गेट इट, और 5,000 में कुछ ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी। अब इसमें फाइनली यार तुम्हें कॉन्टूर रिविजन कराना है या लेसिक कराना है, अब एक तो यार 5,000 रुपए के डिफरेंस में कुछ दिक्कत होने नहीं वाली है, और आंखों का मामला है तो हमें बेस्ट ही चीज करानी है। मैंने पूरी रिसर्च करी थी, आई जस्ट फाउंड आउट कॉन्टूर रिविजन टू बी बेटर एंड जस्ट अ मच बेटर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, तो मैंने वो करा था, एंड माय रिकमेंडेशन की किन इनको करवाना चाहिए, एंड माय फाइनल रिव्यू ऑफ i7, और इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर एन i7 रिव्यू और कॉन्टूर विजन रिव्यू, यार मेरे लिए पर्सनली जैसे तुम्हें पता है मैं वीडियोस बनाता हूं, जैसे तुम्हें पता है कि मैं बाहर जाता हूं, मैं लेंस लगाता हूं, और जनरली मेरे को स्पेक्स में तुमने बहुत कम ही देखा होगा, तो मेरे लिए काफी बड़ा हैसल था, बिकॉज़ दिस वाज माय एवरीडे थिंग कि मेरे को लेंस लगाने ही होते थे एंड काफी सारी चीजें कैरी करनी होती थी, तो मेरे लिए इट मेड सेंस। इफ इट मेक सेंस फॉर यू कि तुम्हें लेसिक करवानी है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, रिकमेंडेशन वुड ऑलवेज बी कॉन्टूर विजन, एंड माय एक्सपीरियंस विद i7 has been absolutely phenomenal, absolutely amazing. They've been professional throughout. They've treated me properly. अच्छे से उन्होंने enough test करे थे that made me feel safe. And I wanted to ask them again and again कि यार ये फिर से देख लो एक बार, मेरा power वो सब कर लो. Because I wanted to be sure कि सब कुछ ठीक है, नहीं है, एंड ओनली देन आई गो फॉर द सर्जरी, बिकॉज लास्ट थिंग वी वॉन्ट इसको कोई बिना बात कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए या फिर ब्लाइंडनेस ना हो जाए। और मेन थिंग मैं जब भी ये मैंने डॉक्टर राइल से पूछा तो उन्होंने बोला ब्लाइंडनेस इससे नहीं हो सकती है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कॉन्टूर रिविजन में, इट्स अ कंप्लीटली सेफ सर्जरी। दैट इज माई रिव्यू एंड दैट इज हाउ माई एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्टूर रिविजन सर्जरी हैपेंड एट i7। इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू आंसर एनी अदर क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में डालो, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चन। सो दैट बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, आई जस्ट फील रियली हैप्पी लिविंग विदाउट स्पेक्स, just feeling great. I can already feel my quality of life improving. और अभी भी कभी बार ऐसा होता है, मैं सुबह उठता हूँ देखता हूँ अरे यार चश्मे कहाँ हैं, या फिर मैं देखता हूँ अरे यार वो दरवाजा बंद है या नहीं है, you know? अरे यार ये इसमें एसी का क्या सीन हो रहा है, तो मैं चश्मे ढूंढता हूँ, देखता हूँ अरे मेरे को तो नॉर्मली दिख रहा है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई फील
free. That's the word that I would use. Freedom is how I feel. Thank you guys for watching the entire video. I will see you guys soon. If you're not subscribed, make sure you hit the subscribe button. Make sure you spank it, smash it, demolish it. And I'll see you guys soon. Peace, boys.